Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture of Park Studies from Unit 1, Ideological Basis of Pakistan. And the topic is Basis of the Ideology of Pakistan. Book page number 4. Basis of Ideology of Pakistan means Nazriya Pakistan ki buniyad ya phir Nazriya Pakistan ki asas. Uski buniyad kya hai? Uski base kya hai? Jiski wajah par bana Nazriya Pakistan ki buniyad kya hai? The Muslims of the subcontinent, bare sagir ke musalman, got a separate homeland. Ek alag watan chahte the so that they might give practical shape. ताकि वो अमली जामा पहना सकें, प्रैक्टिकल शेप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें टू द फाइनल हतमी तौर पर एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी और कम्प्लीटली जो अथॉरिटी हो, इक्तदार हो ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला का. बरे सीर के मुसलमान एक अलग वतन इसलिए चाहते थे ताकि वो उस सरजमीन में, उस वतन में हतमी तौर पर अल्लाह ताला का इक्तदार कायम कर सकें और उसके असूलों पर अमल कर सकें. द पीपल माइट इम्प्लीमेंट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ अलमाइटी अल्लाह. वो लोग उस ज़ात अजीम की बरतर और मतलक कुवत और उसकी जो ताकत है उसको, उसकी कुवत को नाफिज किया जाए, कायम किया जाए. सच अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम माइट बी प्रैक्टिस्ड जो चले एज वॉज बेस्ड, जिसकी बुनियाद हो अपॉन द प्रिंसिपल्स, असूलों पर ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक एंड द टीचिंग्स और तालीमात ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक. और एक ऐसा निज़ाम कायम हो जिसमें कुरान पाक और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम असूलों को अपनाया गया हो, उन पर अमल किया जाए. इस्लाम इज़ नॉट मेयरली जस्ट सिर्फ द सेट ऑफ रिचुअल्स एंड वर्शिप्स. रिचुअल्स रसूमात, वर्शिप्स इबादत. इस्लाम इज़ नॉट मेयरली द सेट ऑफ रिचुअल्स एंड वर्शिप्स. इस्लाम महज इबादत और रसूमात का के मजमुए का नाम नहीं है, बट बल्कि इट इज़ अ कम्प्लीट कोड. ये एक मुकम्मल ज़ाबता है ऑफ लाइफ, जिंदगी का. ये जिंदगी का एक मुकम्मल ज़ाबता है, ये एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है. इट हैज़ द एबिलिटी, ये सलाहियत रखता है टू फुलफिल, कंप्लीट करने ऑल द डिमांड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के तमाम मुतालबात को पूरा करने की सलाहियत रखता है. मींस आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में इसकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. इट कैन फुलफिल ऑल द इकोनॉमिकल, ये तमाम शोबे, मुआशी, इकोनॉमिकल, मुआशी, मॉरल, इखलाकी एंड पॉलिटिकल पर्पसेस और सियासत के मकासद, सियासी मकासद ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के. इसमें मुआशरत, मुईशियत, इखलाकियात और सियासियात के तमाम मकासद को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है. इस्लामिक सिस्टम, इस्लामी निज़ाम इज़ इन परफेक्ट हार्मनी. ये एक मुकम्मल हार्मनी, हम आहंगी विद मॉडर्न डिमांड्स, जो कि जदीद मुतालबात हैं एंड इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिसेबल और मुकम्मल तौर पर ये अमल करने के काबिल हैं फॉर एवरी एज, हर दौर में. इस्लामी निज़ाम जदीद तकाज़ों से, जदीद मुतालबात से हम आहंग हैं और हर दौर के लिए मुकम्मल तौर पर ये काबिल अमल है. मीन्स आप किसी भी दौर में इस पर अमल कर सकते हैं. कभी भी ये निज़ाम, कभी भी ये मज़हब पुराना नहीं हो सकता. The ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान is based, की बुनियाद है on Islamic ideology, इस्लामी नज़रिए पर. नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद नज़रिया इस्लाम पर है. Islamic values, इस्लामी इकदार, such as beliefs, जैसे कि beliefs, अकीदे, अकायद, जो हमारे अकीदे होते हैं. Of worships, इबादत के हवाले से. Justice, इंसाफ. Promotion of democracy,
जमहूरियत का फ़रोग, जमहूरियत का कायम होना, फैटर्निटी, अहुवत एंड द ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ ऑफ द सिटीजन्स एक शहरी की आर द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियाद है नज़रिया पाकिस्तान की। अकायद व इबादात, अदल व इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग, अहुवत व भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़दार नज़रिया पाकिस्तान की असास है। द डिटेल तफसील ऑफ दीज वैल्यूज़ इन इक़दार की इज़ गिवन बिलो, दी गई है नीचे। इन इक़दार की तफसील नीचे दी गई है। अब ये जो आपके पास पॉइंट था, स्टार्ट हो रहा है हमारे पास टॉपिक बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये आपके पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपकी इस चैप्टर की एंडिंग में क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग दिया गया है। ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट आपने यहाँ से इस लेक्चर को सुन के, इसको अच्छी तरह से सुन के, इसको इन शॉर्ट आपने माइंड में रखना है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स आपने याद करने हैं, देन आपको इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन आपको कंप्लीट लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। वो नोट्स आपने लिखने भी होंगे, तब आपने ये क्वेश्चन लिखना भी होगा और कंप्लीट याद भी करना होगा। इसकी 5 वैल्यूज हैं। नंबर 1, बिलीव्स एंड प्रेयर्स। बिलीव्स, अकायद, अकीदे एंड प्रेयर्स और इबादत। प्रेयर्स, इबादत का तो आपको पता है, जो हमारी इबादत है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। बिलीव्स, अकायद क्या होते हैं। अकायद एक ऐसी सोच होती है जो हमारे माइंड में, जिसमें हम किसी तरह का कोई शक नहीं रखते, उस पर हम हर तरह से यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं उस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं। ये वो बातें हैं जो बचपन से हमारे माइंड में होती हैं और हम इन पर पूरा का पूरा यकीन रखते हैं, इस पर हमें कोई शक नहीं है। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरेसीर के मुसलमान, पुट अप, रखी द डिमांड, मुतालबा फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, बिकॉज, क्योंकि दे वॉन्टिड, वो चाहते थे टू लीड देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी गुजारना इन अकॉर्डेंस के मुताबिक, विद देयर बिलीव्स, अपने अकायद के मुताबिक। पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया तो उसके लिए क्या सोच थी मुसलमानों की, कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दे आल्सो वांटेड, वो चाहते थे टू वर्शिप्स, इबादत करना अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला की, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, बग़ैर किसी रुकावट के। ऑब्स्ट्रक्शन मीन रुकावट। वो अल्लाह ताला की इबादत की अदायगी बग़ैर किसी रुकावट के करना चाहते थे। बिलीफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम जो उसका हमारा अकीदा है, इंक्लूड्स बिलीफ इन द वननेस ऑफ गॉड। वननेस ऑफ गॉड मीन तौहीद, तौहीद मीन अल्लाह ताला के एक होने का ईमान। ठीक है, अल्लाह ताला के एक होने का अकीदा, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। द फाइनैलिटी, फाइनैलिटी किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना, ऑफ द प्रॉफिटहुड, ख़त्म नबूवत जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारा ईमान है, इसको हम ख़त्म नबूवत कहते हैं। द फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ये जो अकीदे हैं, अकीदा तौहीद और ख़त्म नबूवत, ठीक है, ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। लाइफ हियर आफ्टर, ज़िंदगी में एंजल्स, फरिश्ते एंड द बुक्स और किताबें रिवील्ड, छोड़ी गई हमारे लिए बाय अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए फरिश्ते, मलाइका और बुक्स, इल्हामी कुतुब पर ईमान लाना भी हमारे बिलीव्स में शामिल है। मींस हमारे अकायद में ये भी शामिल है कि हम, हमारे पास जो हमारी इस्लामी किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं हमारी, उन पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान लाना भी इन अकीदों में शामिल है। दिस सेट ऑफ द अबव, ये जो पूरा मजमुआ है मेंशन्ड बिलीव्स इन अकायद का, जो हमें अकायद बताए गए हैं, इसका पूरा मजमुआ इस कॉल्ड ईमान, इस इनके मजमुए को ईमान कहते हैं। टू बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के
एक होने का यकीन एंड द फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्मे नबुवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने का यकीन इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला बुनियादी जुज़ है, इस्लाम का पहला बुनियादी अहम हिस्सा है, पार्ट है। वनस ऑफ गॉड मीन्स तौहीद, मीन्स इसका मतलब है डैट अल्लाह इज़ द क्रिएटर, कि अल्लाह हालिक है एंड मास्टर और मालिक है ऑफ़ द इंटायर यूनिवर्स, पूरी कायनात का, कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का हालिक और मालिक है, हालिक बनाने वाला मालिक जो किसी भी चीज़ का ओनर होता है। नो वन इन हिज पार्टनर, उसका कोई शरीक नहीं, एंड नथिंग इज़ बियॉन्ड हिज नॉलेज, और कोई चीज़ भी उसके इल्म से बाहर नहीं। इन अल्लाह अला कुल्ली शेइन कदीर, इट मीन्स इसका तर्जुमा क्या है, इट मीन्स अल्लाह हैथ पावर ओवर ऑल थिंग्स, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी कोई चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं। नथिंग इज बियॉन्ड हिज पावर, कोई भी चीज़ उसकी कुदरत से बाहर नहीं। मैन इज़ द डिप्टी मीन नाइब ऑफ अलमाइटी अल्लाह, मैन इज़ द डिप्टी ऑफ अलमाइटी अल्लाह, आदमी अल्लाह ताला का नायब है। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ऑब्लिगेटरी, ये लाजिम है फॉर मुस्लिम्स मुसलमानों के लिए, टू ओबे मानना द कमांड्स अहकामात ऑफ अलमाइटी अल्लाह अल्लाह ताला की। देयरफॉर इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स टू ओबे द कमांड्स ऑफ अलमाइटी अल्लाह, इसलिए हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा हों, उसकी तालीमात को उसके अहकामात को माने। इट इज़ एविडेंट, ये वाज़े हैं फ्रॉम द बिलीफ अकीदे से ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी के मुकम्मल इख्तियार ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला का है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द बिलीफ ऑफ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ अल्लाह, ये इस अकीदे से वाज़े है के मुकम्मल इख्तियार जो है, मुकम्मल इक्तदार वो अल्लाह ताला का है। द मैन आदमी बीइंग हिज डिप्टी, उसके नायब होने की हैसियत से, नायब होने के तहत हैज़ द अथॉरिटी इक्तदार रखता है टू द एक्सटेंट उस हद तक ऑफ द पावर जितनी ताकत गिवन टू हिम बाय अल्लाह। हिज डिप्टी हैज़ द अथॉरिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द पावर गिवन टू हिम बाय अल्लाह। आदमी उसके नायब होने की हैसियत से, इंसान अल्लाह ताला का नायब होने की हैसियत से इंसान के पास उतनी ही ताकत है जिस हद तक अल्लाह ताला ने उसको दी है, इंसान उतना ही इख्तदार रखता है, उतना इख्तियार रखता है। बट रियल पावर, लेकिन असली ताकत, असली पावर लाइज विद अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला की है। बट रियल पावर लाइज विद अलमाइटी अल्लाह, लेकिन जो हकीकी इख्तियार है, हकीकी इख्तदार है, वो अल्लाह ताला का है। फेथ इन प्रॉफिटहुड, फेथ ईमान इन प्रॉफिटहुड खत्मे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मीन्स टू बिलीव, इसका मतलब है कि यकीन करना डैट अल्लाह के, अल्लाह सेंट मैसेंजर्स, उसने नबी भेजे फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की रहनुमाई के लिए। इट इज़ कंपल्सरी, ये लाजमी है फॉर अ मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत बिलीफ, अकीदा इन द प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अकीदा रसालत, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, बगैर किसी शक व शुबे के। अकीदा रसालत प्रॉफिटहुड, अकीदा रसालत का मतलब प्रॉफिटहुड, फेथ इन प्रॉफिटहुड, ओके, फेथ मीन अकीदा ईमान, प्रॉफिटहुड रिसालत, अकीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दारा इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये ज़रूरी है, लाजिम है कि अकीदा रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। दिस बिलीफ डिमांड, ये अकीदा क्या हमसे मुतालबा करता है, डैट द होली कुरान एंड द नोबल लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, के कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज द सोर्स ऑफ गाइडेंस। हज़रत
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान पाक रहनुमाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। नाउ पेज नंबर 6, द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दूसरा बुनियादी जुज इज़ नमाज, नमाज है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी, ये लाजिम है। टू ऑफर प्रेयर्स, अदा करना। एट द फिक्स्ड हॉर्स, उसके मखसूस औकात में नमाज को अदा करना लाजिम है। इन फैक्ट, दर हकीकत, टू बी स्टेड फास्ट इन प्रेयर्स, अकामत सलात, नमाज का कायम होना इज सिमिलर जैसा है टू बी स्टेड फास्ट अकामत इन रिलीजन, मज़हब के कायम होने। एंड इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, और इसका मुजाहरा किया जाता है एवरी डे, हर रोज़। दर हकीकत अकामत सलात मीन्स नमाज का कायम होना अकामत दीन का दूसरा नाम है, उसके जैसा है। मीन्स अगर एक दीन, इस्लाम दीन अगर कायम है तो उसका सबसे बुनियादी जुज उसके कायम होने की नमाज के कायम होने भी है। और इसका मुजाहिरा मीन्स इसको परफॉर्म किया जाता है हर रोज़। सच अ सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम, सबमिशन टू अलमाइटी अल्लाह शुड बी मेंटेन्ड ऑल ओवर सोसाइटी। सच अ सिस्टम ऑफ सबमिशन अतात टू अलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला की, शुड बी मेंटेन्ड, कायम रखना ऑल ओवर द सोसाइटी, पूरे माशरे में। अल्लाह ताला की अतात का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। नेक्स्ट, द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ टू कीप फास्ट, इस्लाम का तीसरा बुनियादी जुज रोज़ा रखना है। लाइक ऑल अदर प्रेयर्स, दूसरी तमाम इबादत की तरह, इट इज़ द बेस्ट, ये बेहतरीन है, मैनिफेस्टेशन इज़ हार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, फ़र्ज का। दूसरी तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज का एक बेहतरीन इजहार है। द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज़ ज़कात, इस्लाम का चौथा बुनियादी जुज ज़कात है। इट इज़ मॉनेटरी प्रेयर, ज़कात माली इबादत का नाम है, जिसमें आप दूसरों की बाय मनी हेल्प करते हैं, कुछ रकम देके। इट इज़ द मीन्स, इसका मतलब है, ऑफ स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। ये क्यों, इसका मतलब, इट मीन्स इसकी वजह क्या है इसके कायम होने की, इस्लामी जो निज़ाम है उसका मुआशी निज़ाम को मजबूत करना है, इस्लाम के जो मुआशी निज़ाम है उसको मजबूत करना है। विद द सिस्टम ऑफ ज़कात, ज़कात का जो ये सिस्टम है, इससे वेल्थ, दौलत इन सर्कुलेट्स इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग इन अ फ्यू हैंड्स, के उसको बजाय जमा करने के आप उसको कुछ लोगों में खर्च करते हैं। थस इट रीच to the poor class of the society। ज़कात के निज़ाम की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने के बजाय गर्दिश में रहती हैं। इट मीन्स आप दूसरों को जब देते हैं तो इससे दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, और आपकी जो रकम होती है वो दूसरों तक पहुँचती है, और माशरे के गरीब तबके, पुअर क्लास, गरीब तबके तक भी ये रकम पहुँच जाती है। लास्ट वन, हज इज़ द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, हज इस्लाम का पांचवा बुनियादी जुज है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ओनली फॉर दोज, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये जस्ट उनके लिए फ़र्ज है, ओनली फॉर दोज, सिर्फ उनके लिए, हु आर फाइनेंशली एबल टू परफॉर्म इट, जो माली तौर पर इसको अदा करने के काबिल होते हैं। मीन्स ये किसी पे हर हाल में फ़र्ज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर क्लास के लिए जो लोग इसको परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, उन पे ये फ़र्ज नहीं है। ये जो लोग अदा कर सकते हैं, जिनके पास इतनी रकम है कि वो हज अदा कर सकें, ये उन पे फ़र्ज है। ऑन द ओकेजन ऑफ हज, हज के मौके पर, द कॉल ऑफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हियर आई एम एट योर सर्विस। हज के मौके पे जो पुकार होती है वो कौन सी होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ, एट योर सर्विस,
खिदमत के लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए ओ लॉर्ड, ए खुदा, प्रेजेंट्स द अनप्रेसिडेंटेड मॉडल, अनप्रेसिडेंटेड बेमिसाल, जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती, मॉडल नमूना है ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद का एंड ब्रदरहुड भाईचारे का। हज को परफॉर्म करते हुए आप देखते हैं कि दुनिया जहां से मुख्तलिफ कोनों से लोग आते हैं, हर जगह से आते हैं, वहां पे अमीर गरीब सब लोग एक जैसे होते हैं, सब का लिबास एक जैसा होता है, सब एक ही काम करते हैं, तो वो अहुवत भाईचारे और इत्तेहाद की एक आला मिसाल है जो आपको कहीं नज़र नहीं आती। ये हमारा बेसिस वैल्यूज़ थी, जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़, वो हमने नंबर वन थी बिलीव्स एंड प्रेयर्स, उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट नंबर टू, जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस अदलो इंसाफ, इंसाफ एंड इक्वालिटी मींस बराबरी, मसावात। While establishing a just society, एक मुआशरे का क़याम अमल में लाते हुए, एक मुआशरा कायम करते हुए, the Muslims, मुसलमानों ने put an emphasis on justice, इंसाफ पर जोर दिया। एक मुआशरा कायम करते हुए मुसलमानों ने, बरसगीर ने अदल, इंसाफ और समाजी मसावात पर जोर दिया। इट इज़ डिटरमिंड, मीन पता करना, मालूम, इन इस्लामिक बिलीफ, इस्लामिक जो अकीदे हैं, डेट ऑल ह्यूमन बींग्स, के तमाम इंसान आर टू बी गिवन इक्वल स्टेटस, के सब इंसानों को दिया गया है इक्वल स्टेटस, बराबरी का दर्जा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी फ़र्क के ऑफ कास्ट, ज़ात पात, कलर, रंग व नसल, रंग, क्रीड, नसल, लैंग्वेज, ज़ुबान एंड कल्चर और सकाफत। इट इज़ डिटरमिंड इन इस्लामिक बिलीफ डैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर टू बी गिवन इक्वल स्टेटस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज एंड कल्चर। इस्लामी जो अकीदे हैं वो हमें ये बताते हैं कि तमाम मुसलमानों का दर्जा, हर मुसलमान का दर्जा बराबर है, ठीक है, बग़ैर किसी फ़र्क के, माशरे में ज़ात पात, रंग व नसल और ज़बान सकाफत की तमीज़, यानी कि उसके फ़र्क को कायम रखे बग़ैर, तमाम इंसानों को बराबर दर्जा दिए जाने का अज़म है इस्लाम का। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल लॉ, बराबरी का कानून, इंसाफ का कानून कायम करते हुए, एंड सेम जुडिशरी, जुडिशरी मीन अदालती सिस्टम, निज़ाम फॉर ऑल लिविंग इन द स्टेट इज़ इंटेंडेड। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल लॉ एंड सेम जुडिशरी सिस्टम फॉर ऑल लिविंग इन द स्टेट इज़ इंटेंडेड। रियासत में सब अफराद के लिए मुसावी, बराबरी के कानून और बराबर, यकसा, एक जैसे अदालती निज़ाम कायम किया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आज़ादाना अदालती एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी आर द बेसिक कंडीशंस, बुनियादी शरायत हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, किसको कायम करने के लिए, ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, अदलो इंसाफ और मसावात, आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी अवाम में मसावात और इंसाफ के क़याम की बुनियादी शरायत है। इन हिज सरमन ऑन हिज फाइनल पिलग्रम, इन हिज सरमन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में, जो उनका आखिरी खुतबा था, खुतबा हिज्जतुल विदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन्ड हिज दिस फैक्ट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में यूँ बयान फरमाया है, ओ पीपल, ए लोगो, ऑल ऑफ यू हैव वन गॉड,
तुम सब लोगों का खुदा एक है एंड ऑल मैनकाइंड और तमाम इंसानियत इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम और तमाम और तुम सब आदम की औलाद हो. एन अरब हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब. एक अरब को किसी भी अजमी पर नॉन अरब अजमी एक अरब को किसी भी अजमी पर कोई फुकियत नहीं. नॉर अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपरियोरिटी ओवर एन अरब और ना ही किसी अजमी को अरबी पर कोई फुकियत है. आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर ब्लैक नॉर अ ब्लैक. किसी गोरे को काले पर कोई फुकियत नहीं. नॉर अ ब्लैक हैज़ सुपरियोरिटी ओवर वाइट. किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फुकियत हासिल नहीं. बुक पेज नंबर 7 एंड द टॉपिक इज प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन जमहूरियत. बेसिकली जमहूरियत की तारीफ इस तरह से है कि रियासत में किसी भी जगह पे जितने भी लोग हैं सबकी बुनियादी राय ली जाए, उस राय का एहतराम किया जाए और सबकी राय को जिसकी भी राय अच्छी लगे उस पर अमल किया जाए. प्रमोशन फ़रोग पाना, किसी चीज़ का कायम होना. प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी जमहूरियत का फ़रोग. कंसल्टेशन बाहमी मशवरा एंड डेलीब्रेशन और राय का इजहार आर द बेसिस ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड सोसाइटी. इस्लामी रियासत और माशरे की बुनियाद मुशावरत है, बाहमी मुशावरत है. डेमोक्रेसी इज़ प्रमोटेड जमहूरियत का फ़रोग इन एन इस्लामिक स्टेट एंड द राइट्स इस्लामी स्टेट में इस्लामी रियासत में एंड द राइट्स ऑफ द पीपल और लोगों के हकूक आर प्रोटेक्टेड महफूज किए जाते हैं. Democracy is promoted in an Islamic state and the rights of the people are protected. इस्लामी माशरे में जमहूरियत को फ़रोग हासिल होता है और अवाम के हकूक का ख्याल रखा जाता है. Every citizens, हर शहरी enjoys equal status. हर शहरी को बराबर का दर्जा मिलता है. People lead their lives. लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं observing and respecting. Observe mean किसी चीज़ का मुशाहदा करना and respecting the law of the land. लोग अपनी ज़िंदगी कानून के दायरे में रह के गुजारते हैं means कानून का एहतराम करते हैं. Laws provide. कानून मुहैया करता है security to the people. लोगों के लिए तहफ़ लोगों को तहफ़ कानून मुहैया करता है. All are equal in the eyes of law. कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अलाउड. किसी भी फ़र्क की इजाज़त नहीं ऑन द बेसिस ऑफ किस बुनियाद पे कास्ट जात कलर रंग क्रीड नस्ल और लैंग्वेज जुबान. अफराद में रंग नस्ल जात पात या ज़ुबान की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं रखा जाता. द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का निज़ाम इज़ रन चलता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लोगों की भलाई को. हकूमती निज़ाम सब लोगों की भलाई को पेश नज़र रख कर चलाया जाता है. वाइल एड्रेसिंग खुतबा करते हुए खताब करते हुए एट सिबी ऑन 14th of February 1948 कायदे आज़म डिस्क्राइब्ड. कायदे आज़म ने 14th February 1948 को सिबी में खताब करते हुए ये इजहार किया. द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद पर्पस मकासद या मकसद अचीवमेंट हासिल करने का ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इन द फॉलोइंग वर्ड्स. क्या मैं पाकिस्तान की को हासिल करने का मकसद कायदे आज़म ने यूं बयान किया. लेट अस ले द फाउंडेशन ऑफ आर डेमोक्रेसी. चलो आओ जमहूरियत का फ़रो उसकी बुनियाद ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूली इस्लामिक प्रिंसिपल उसकी बुनियाद सच्चे इस्लामिक असूलों पर रखें. चलो आओ लेट अस ले द फाउंडेशन ऑफ आर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रूली इस्लामिक प्रिंसिपल्स. आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फ्राहम करें. और अलमाइटी हैज़ थाट हमें अल्लाह ने सिखाया है अस डैट
और डिसीजंस के हमारे फैसले इन द अफेयर्स मामलात ऑफ द स्टेट रियासत के शैल बी गाइडेड बाय डिस्कशंस आपस में सुलह मशवरे से आपस में बहस से आपस में बात करने से बातचीत करने से एंड कंसल्टेशन और बाहमी मुशावरे से। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बहम सुलह मशवरे से आपस में तय करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मीन अहुवत, ब्रदरहुड भाईचारा। फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस, खास अहमियत हासिल है इन एन इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी माशरे में। इस्लामी माशरे में अहुवत और भाईचारे को खास अहमियत हासिल है। व्हेन इस्लामिक गवर्नमेंट वाज़ फॉर्म्ड इन मदीना, जब इस्लामी हुकूमत इस्लामिक गवर्नमेंट मदीना में बनी, द एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड, तो अहुवत और भाईचारे की मिसाल सेट देयर वॉज वर्थ सेइंग, देखने के काबिल थी। द एग्ज़ाम्पल ऑफ फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड सेट देयर वॉज वर्थ सेइंग। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामिक हुकूमत बनी तो इसमें अहुवत और भाईचारे की मिसाल देखने के काबिल थी। टुडे द इस्लामिक सोसाइटी, आज इस्लामी मुआशरा नीड्स द सेम फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। आज भी इस्लामी मुआशरा उसी अहुवत और भाईचारे का मतकाजी है, मीन्स उसको इसी अहुवत और भाईचारे की ज़रूरत है। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बनने से पहले, इस्लाम के वजूद में आने से पहले, पीपल वर नॉट अवेयर, लोग वाकिफ़ नहीं थे, आगाह नहीं थे ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस असूल से। इस्लाम के बनने से पहले लोग इस असूल से नावाकिफ़ थे, आगाह नहीं थे, किससे? भाईचारे और अहुवत से। दे वर द एनिमीज, वो दुश्मन थे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। बट लेकिन एज द इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक रियासत ऑफ मदीना, मदीना की वाज इस्टेब्लिश्ड, कायम की गई, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बट एज द इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना वाज इस्टेब्लिश्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, तब एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स अमल पैरा, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके अमल पैराओं को, जो आपकी टीचिंग को, आपकी तालीमात को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने अमल पैराओं को, अपने पैरोकारों को नसीहत की टू ट्रीट, के वो सलूक करें द ऑर्फन, यतीम, विडोस, बेवा एंड द पुअर काइंडली, के वो यतीम बेवाओं, यतीमों बेवाओं और गरीबों के साथ नरमी से पेश आए। ही गेव द पीपल, उन्होंने लोगों को दिया अ कोड ऑफ लाइफ, ज़ाबता हयात, ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाबता, उन्होंने लोगों को एक ज़ाबता हयात दिया, सो डैट दे माइट लिव पीसफुली, अमन से, एंड एन एटमोसफेयर, फिज़ा ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की, माइट फ्लोरिश इन द सोसाइटी। उन्होंने लोगों को एक मुकम्मल ज़ाबता हयात दिया ताकि वो अमन से रहें आपस में, और मुआशरे में जो सोसाइटी है उसमें भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो सके। ही कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड वज़ा करना, मुकर्रर करना, अ सिस्टम ऑफ ज़कात एंड चैरिटी, चैरिटी मीन हिरात, उन्होंने ज़कात और हिरात के निज़ाम को वज़ा किया। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने बयान किया द यूजरी अनलॉफुल, गैर कानूनी, बिकॉज देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सप्लोटेशन, इस्तेसाल इन इस्लाम, इस्लाम में। उन्होंने ये बयान फरमाया कि कोई भी गैर कानूनी काम को हराम करार दिया, सूद को हराम करार दिया, और ये कहा कि इस्लाम में किसी के भी इस्तेसाल की कोई गुंजाइश
कुछ नहीं, एक इंसान दूसरे का इस्तेहसाल नहीं कर सकता, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। Fraternity, अहुवत, teaches us, सिखाती है, to develop brotherly relations with one another, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना, so that neither rights of anyone are usurped, nor the weak is oppressed by anyone. अहुवत हमें ये बात सिखाती है कि आपस में ब्रदराना, भाईचारे जैसे ताल्लुकात कायम किए जाएं, ताकि किसी के हकूक ना सल्ब किए जा सकें। मीन्स जब आप आपस में भाईचारे से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी का हक नहीं लेना चाहेंगे, और ना ही नॉर द वीक इज़ ऑप्रेस्ड महकूम बाय एनीवन, और ना ही किसी महकूम पर, किसी कमज़ोर पर जुल्म किया जाए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईच मुस्लिम, हर मुसलमान इज़ अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम, हर दूसरे मुसलमान का भाई है। ही शुड नॉट कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो उसे कभी भी, उसका कभी भी एतमाद ना तोड़े, उसमें कभी भी हयानत ना करे। ही शुड नॉट कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसकी कभी भी हयानत ना करे। ही टॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम, उसको दूर रहने का दर्स दिया, उसको दूर रहना सिखाया, किससे, फ्रॉम मेलिशियसनेस, कीना, मैलिग्नेंस, हसद एंड एनवियसनेस। ही टॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम मेलिशियसनेस, मैलिग्नेंस एंड एनवियसनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज रहने का दर्स दिया। देयरफॉर, इसलिए द मुस्लिम्स शुड लिव यूनाइटेड, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तफाक से रहें। दे शुड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। बुक पेज नंबर 8 एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, शहरियों के हकूक और फ़राइज। व्हेन पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा, द सिग्निफिकेंस, अहमियत ऑफ द राइट्स, हकूकी ऑफ द सिटीजन्स, शहरियों के, वाज एक्नॉलेज्ड, उनको तस्लीम किया गया। तो एक तरफ शहरियों के हकूक और तहफ़ुज़ात को तस्लीम किया गया, एट द सेम टाइम मच एम्फेसिस, जोर दिया गया, वाज लेट ऑन द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। व्हेन पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स वाज एक्नॉलेज्ड, एट द सेम टाइम मच एम्फेसिस वाज लेट ऑन द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। जब पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया, तो एक तरफ शहरियों के हकूक और तहफ़ुज़ात की अहमियत को तस्लीम किया गया, तो दूसरी जानिब एट द सेम टाइम, तो दूसरी जानिब उनके फ़राइज़ पर भी भरपूर ज़ोर दिया गया। ओके, मच एम्फेसिस वाज लेड ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, मीन उनके फ़राइज़ पर भी भरपूर ज़ोर दिया गया। इन एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामिक रियासत में, rights and duties, हकूक़ और फ़राइज़ आर क्लोजली कनेक्टेड, बहुत एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एंड बोथ गो हैंड इन हैंड। एक इस्लामी माशरे में हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ का ज़िक्र भी ख़ुसूसी तौर पर किया जाता है। The right of one person, एक शख्स का हक, becomes the duty of the other to fulfill, वो दूसरे शख्स का फ़र्ज बन जाता है। एक, the right of one person becomes the duty of the other to fulfill, एक शख्स का हक दूसरे का फ़र्ज होता है। Rights and duties are correlative, एक दूसरे से closely connected होना,
चोली दामन का साथ होना. राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव. हकूक और फराइज का चोली दामन का साथ है. व्हेन अ पर्सन, एक शख्स डज हिज ड्यूटीज, अपने फराइज अदा करता है, ही डिजर्व्स टू एंजॉय राइट्स, तो फिर वो अपने हकूक को भी हासिल करने के काबिल बनता है. हकूक और फराइज आपस में लाजिम और मुलजिम है, ठीक है. जब एक शख्स, व्हेन अ पर्सन डज हिज ड्यूटीज ही डिजर्व्स टू एंजॉय राइट्स, एक शख्स जब अपना फ़र्ज अदा करता है तो वो हकूक हासिल करने के भी काबिल होता है. ड्यूटीज़ कवर बोथ इंडिविजुअल, ड्यूटीज़ कवर ड्यूटी का ताल्लुक बोथ इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर एज़ वेल एज़ कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैन. फ़राइज़ का ताल्लुक इंसान के इज्तमाई और ज़ाती मिन इनफरादी दोनों पहलुओं से होता है. ड्यूटीज़ कवर फ़राइज़ कवर करते हैं बोथ इंडिविजुअल, बोथ दोनों इंडिविजुअल ज़ाती इनफरादी एज़ वेल एज़ कलेक्टिव इज्तमाई एस्पेक्ट्स ऑफ मैन. फ़राइज़ का ताल्लुक इंसान के ज़ाती और इज्तमाई दोनों पहलुओं से होता है. म्यूचुअल बैलेंस, बाहमी तवाज़ुन, बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, हकूक और फ़राइज़ के दरमियान इज़ द की टू मेक एन इस्लामिक स्टेट अ सक्सेसफुल वन. इस्लामी रियासत को हकूक और फ़राइज़ का बाहमी तवाज़ुन एक कामयाब रियासत बना देता है. सेंस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सेंस शऊर, टू प्रोवाइड मुहैया करना सिक्योरिटी तहफ़ुज़ टू द माइनॉरिटीज़ अक़लियत, वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान. अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़ुज़ भी पाकिस्तान हासिल करने के पीछे उसके पसे मंज़र में हकूक़ का, अक़लियत का हकूक़ के तहफ़ुज़ भी शामिल था. कायदे आज़म सेड वेरी क्लियरली डैट, कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया था बहुत वाज़ेह तरीके से, द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ विल बी फुली प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान, कि अक़लियतों के हकूक़ का पाकिस्तान में पूरा पूरा ख्याल रखा जाए. इस्लाम डज नॉट अलो डैट लाइफ, इस्लाम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देता डैट लाइफ, ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, जायदाद, डिग्निटी, अजमत एंड रिलीजियस ट्रेडिशन और मजहबी रवायात ऑफ द माइनॉरिटीज़ अक़लियतों के इन पाकिस्तान गो अनप्रोटेक्टेड, के वो महफूज ना हो. अक़लियत मीन जो लोग तादाद में कम होते हैं, मीन्स अगर 100% ऐसे हैं जिनकी ज़ात एक है और उनके बीच में या उनसे अलग 5% ऐसे हैं उनकी ज़ात अलग है, तो जो 5 हैं वो अक़लियत में आते हैं. इस्लाम डज नॉट अलो द लाइफ, प्रॉपर्टी, डिग्निटी एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान गो अनप्रोटेक्टेड. पाकिस्तान में इस्लामी माशरे में ज़िंदगी गुजारने वाली अक़लियतों के जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी रफायात का तहफ़ुज़ ना किया जाए. इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता. ओके,